अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बानी चेयरमैन तहरीके इंसाफ इमरान खान साहब ने मुल्कगीर एहतजाज की कॉल दे दी है, बल्कि उन्होंने धमकी दी है हुकूमत को कि अब वो मुल्कगीर एहतजाज करेंगे और ये एहतजाज अब स्ट्रीट एहतजाज की शक्ल इख्तियार कर जाएगा। ये एहतजाज की कॉल उन्होंने क्यों दी और ये एहतजाज अब किस नोयत का होगा, ये मुकम्मल तफसील के साथ आपको इस व्लॉग में बताएंगे। नाज़रीन कराम, कल अडियाला जेल में 90 मिलियन पाउंड केस की समाअत हुई और हर समाअत के बाद हसबे रवायत इमरान खान साहब सहाफियों से गुफ्तगू करते हैं। इससे पहले भी वो हर समाअत के बाद सहाफियों के साथ गपशप करते हैं और मुख्तलिफ अमूर को ज़ेर बहस लाते हैं और मुख्तलिफ मुल्की मसाइल के ऊपर बात करते हैं। इसके साथ साथ वो सहाफियों को अपने जेल के अहवाल भी बताते हैं और कौम के नाम भी कोई ना कोई वो पैगाम अपना जो है वो जारी करते हैं। तो कल इस समाअत के बाद जब वो सहाफियों के साथ महवे गुफ्तगू हुए तो उन्होंने तीन मामलात को जो है वो हाईलाइट किया और तीन मामलात पर उन्होंने सहाफियों से कुछ अपने बयानात सहाफियों के दिए, अपने कमेंट्स दिए। सबसे पहले उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के मामले के ऊपर बात की, उसके बाद उन्होंने नैब कवानीन के ऊपर बात की और नंबर तीन उन्होंने पाकिस्तान की जो इस वक्त क्रिकेट की जो सूरत हाल है, बदतरीन सूरत हाल है, उसके ऊपर वो खूब बरसे और उन्होंने मोहसिन नकवी साहब को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। सबसे पहले उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बात करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के साथ अब छेड़छाड़ करने की कोशिश की जा रही है और अगर अब हुकूमत वक्त ने सुप्रीम कोर्ट के साथ कोई छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई और इस अदारे को तबाह करने की कोशिश की गई तो उन्होंने कहा कि हम मुल्कगीर एहतजाज की कॉल देंगे और ये एहतजाज अब जो है वो मामूली नोयत का नहीं होगा बल्कि ये स्ट्रीट एहतजाज की शक्ल इख्तियार कर जाएगा। तो सबसे पहले तो ये समझें कि सुप्रीम कोर्ट के साथ कौन सी छेड़छाड़ की जा रही है। तो जैसा कि आपको पता है कि हस्बे रवायत पाकिस्तान में जब भी कोई आर्मी चीफ या जब भी कोई चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपने टेनोर को मुकम्मल करता है तो ये एक बहुत बड़ा मामला बन जाता है पाकिस्तान में। वो ये होता है कि इस जज को या इस चीफ को एक्सटेंशन दी जाए। हर हुकूमत के अंदर ये मामला हुआ, हर हुकूमत जो है वो चाहती है कि हमारी मर्जी का आर्मी चीफ हो, हमारी मर्जी का जो है वो चीफ जस्टिस हो। तो जब उनको अपनी मर्जी के ये दोनों लोग मिल जाते हैं तो फिर वो चाहते हैं कि ये सारी जिंदगी हमारे साथ रहें और हमारी हुकूमत इसी तरीके से जो है वो रवानदार रहे। तो अभी भी एक्सटेंशन के बारे से बातें चल रही हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फैज ईसा साहब की जो एक्सटेंशन है उस हवाले से काफी सारी बहसें चल रही हैं। बाजार तो ये बयान आ रहे हैं कि जो काजी साहब हैं वो एक्सटेंशन लेने के लिए तैयार नहीं है, जो कि हर दौर का चीफ जस्टिस जो है वो यही बयान देता है और हर दौर का जो आर्मी चीफ है वो भी यही बयान देता है कि मैं जो है वो मजीद एक्सटेंशन नहीं लूंगा। बहरहाल सियासी लोग जो है वो अपनी पनाह चाहते हैं और इस सियासी पनाह की खातिर वो एक्सटेंशन देने की भरपूर कोशिश करते हैं और इस हवाले से वो क्या कहते हैं कि सर तोड़ बाजी लगा देते हैं और सर तोड़ मेहनत करते हैं कि एक्सटेंशन दी जाए। तो इस हवाले से इमरान खान साहब ने अपना मौकफ दो टोक अंदाज में इख्तियार किया और उन्होंने कहा कि अब नहीं ऐसा होगा अगर इस तरह का कोई मामला किया गया। और दूसरी बात उन्होंने कही कि ये लोग अपनी मर्जी से जब चाहते हैं चीफ जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनकी तादाद में इजाफा कर लेते हैं और जब चाहते हैं उनकी तादाद में कमी कर लेते हैं। अब हम ये भी नहीं होने देंगे, अगर इस तरह की कोई भी हरकत की गई तो हम बड़ी जबरदस्त अंदाज में बाहर निकलेंगे और पूरी कौम जो है वो स्ट्रीट एहतजाज करेगी। स्ट्रीट एहतजाज का जो मतलब है वो ये है कि हर शख्स अगर वो किसी देहाती इलाके में है, शहरी इलाके में है, किसी जिला में है, किसी सूबा में है, वो अपने उसी इलाके के अंदर एहतजाज करेगा और ये एहतजाज जो है वो बड़ी जबरदस्त किस्म की नोयत का होगा। अगर ये एहतजाज हो जाता है तो इससे डेफिनेटली हुकूमत को काफी सारे खतरात लाहक हैं। इससे कबल जितने इमरान खान साहब ने बयान दिए उसके वाले से यही कहा गया कि इन बयान की कोई अहमियत नहीं है, लेकिन दूसरी जानब जो है वो दूसरी खिड़कियों से इमरान खान साहब से गुफ्तगू करने की भी कोशिश की गई। लेकिन यहाँ एक बात जरूर अर्ज करता चलूँ, अगर ये एहतजाज स्ट्रीट एहतजाज की शक्ल इख्तियार कर जाता है तो ये वाकईतन एक मुल्कगीर और सबसे सख्त तरीन एहतजाज होगा जो कि गवर्नमेंट के लिए या गवर्नमेंट के तख्त के लिए जो है वो नुकसान का बायस बनेगा। दूसरी बात उन्होंने नैब कवानीन के हवाले से की, बानी चेयरमैन तहरीके इंसाफ इमरान खान साहब ने कहा कि अब नैब कवानीन जो है इन्होंने इससे पहले अपनी मर्जी के बना लिए थे अपनी सजाओं को माफ करवाने के लिए, अपने आप को रिलीफ देने के लिए, लेकिन उस वक्त चूंकि इमरान खान साहब ने स्टे ले लिया था वो जो कवानीन है वो तब्दील नहीं हुए थे। अब इमरान खान साहब ने मौकफ ये इख्तियार किया है कि अब ये कवानीन तब्दील हरगिज नहीं किए जाएंगे, अगर उसकी जद में मैं भी आता हूं, उन कवानीन की जद में इमरान खान भी आता है तो तब भी इन कवानीन को चेंज नहीं करने दिया जाएगा। लिहाजा इसमें जो झूठे केसेस हैं, किसी के सच्चे केसेस हैं, जो भी हैं, अब वो इन्हीं कवानीन के तहत जो है वो निपटाए जाएंगे और इसकी जद में जो कोई भी आएगा उसको सजा मिलेगी। इमरान खान साहब ने इस हवाले से भी वो डट गए हैं और उन्होंने दो टोक पैगाम जारी किया है कि अगर इन दोनों मामलों में कोई भी छेड़छाड़ हुई तो हम उसका जो है वो मुंह तोड़ जवाब देंगे और पूरी कौम बाहर निकलेगी। तीसरी बात उन्होंने अपनी क्रिकेट के हवाले से की, चूंकि वो क्रिकेटर हैं और पाकिस्तान की क्रिकेट के अंदर जो भी तब्दीली आती है या पाकिस्तान की क्रिकेट तनजली का शिकार होती है तो इमरान खान साहब डेफिनेटली रंजीदा हो जाते हैं और वो एग्रेसिव भी होते हैं और उस वाले से उन्होंने मोहसिन नकवी साहब को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। अब मोहसिन नकवी साहब उनके सियासी हरीफ भी हैं
तो पंजाब गवर्नमेंट के अंदर जब जो कुछ उन्होंने किया इमरान खान साहब के साथ, वो किसी चीज को ढका छुपा नहीं है। तो उन्होंने कहा कि इस करप्ट आदमी ने हमारे जो क्रिकेट है उसको तबाह कर दिया है। डेफिनेटली वो एक नॉन प्रोफेशनल आदमी है, क्रिकेट के साथ उनका कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने कहा कि इससे कबल मैंने रवीज राजा को जो है वो क्रिकेट का चेयरमैन बनाया था, और वो मेरा कोई रिश्तेदार नहीं था, मैंने सिर्फ मेरिट की बुनियाद पर उसको बनाया था, और वो डेफिनेटली एक प्रोफेशनल और टेक्निकल आदमी था। क्रिकेट एक अलग शोभा है, इसको हर बंदा नहीं चला सकता। तो ये बात उन्होंने की, और उन्होंने कहा कि मोहसिन नकवी एक करप्ट तरीन आदमी है, इसने जिस अदारे के अंदर भी कदम रखे हैं उस अदारे को इन्होंने इसने तबाह किया है। तो डेफिनेटली अब क्रिकेट की जो हालत हुई है 3 साल के अंदर, वो सब आपके सामने है कि अब हमारी क्रिकेट जो है वो बांग्लादेश से भी गिर चुकी है, और बांग्लादेश ने हमारे घर के अंदर हमें वाइट वॉश कर दिया और शिकस्तें फाश दी है, जो कि हमारे लिए बहसीयत कौम एक शर्मिंदगी की बात है कि हमारा क्रिकेट 3 सालों के अंदर इतना नीचे गिर चुका है कि हम बांग्लादेश से भी जो है वो नीचे चले गए हैं। इससे कबल हम तमाम तर डिपार्टमेंट्स में भी डेफिनेटली बांग्लादेश से पीछे थे। तो अभी क्रिकेट में भी वही हुआ है। तो इमरान खान साहब ने बड़ी कड़ी तनकीद की है, और वो बरसे हैं पूरे इस सिस्टम के ऊपर भी, और खास तौर पर मोहसिन नकवी के साहब के ऊपर भी। तो ये थी अब तक की अपडेट्स। अब ये जो एहतजाज की हमने बात की है, ये किस नोयत का होगा, ये कब होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहरहाल कुछ नई अपडेट्स जैसे ही आएंगी आपके खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।